आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर दोस्तों आप सभी लोग एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो यानी कि दोस्तों एक सीएससी वैली हो तो दोस्तों आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों आरबीआई के द्वारा और सीएससी के द्वारा एक न्यू सर्विस को लॉन्च किया गया है, एक न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जो कि दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हिंदुस्तान में हमारे व्यक्ति हैं सभी लोगों का सी केवाईसी सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा या काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई ये सी केवाईसी सर्टिफिकेट क्या है, तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये सी केवाईसी सर्टिफिकेट क्या है। ठीक है, आप लोग का बैंक अकाउंट भारत के किसी भी बैंक में है, आप सभी लोगों का सी केवाईसी सर्टिफिकेट बनेगा। ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी लोग के बैंक अकाउंट में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो आप सभी लोग बैंक में जाते हो, लंबी लाइन लगनी पड़ती है, वहां पर जाते हो, अपने मैनेजर से पूछते हो या अपने स्टाफ से पूछते हो कि मेरे बैंक अकाउंट में कोई गड़बड़ी है हो गई है, तो बैंक मैनेजर आप सभी लोग को यही सलाह देता है कि आप सभी लोग को अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी फॉर्म को फिल करने के लिए, जमा करने के लिए काफी लंबी लाइन लगनी पड़ती है, उसके 3 से 4 दिनों के बाद आप सभी लोग का बैंक अकाउंट को फिक्स किया जाता है यानी कि फुल केवाईसी किया जाता है। आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि बैंकों में भीड़ ना लगे, जैसे छोटे मोटे सर्विसेस हैं केवाईसी करना इसमें काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है, तो आरबीआई के द्वारा एक न्यू सर्टिफिकेट को लॉन्च किया गया है जिस सर्टिफिकेट का नाम है सी केवाईसी सर्टिफिकेट। इसमें दोस्तों एक सेंट्रल केवाईसी नंबर होता है प्लेटफॉर्म में, फॉर एग्जांपल अगर आप सभी लोग को बैंकों में अपना केवाईसी करना है या कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हो, वहां पर आप सभी लोग को केवाईसी करना पड़ रहा है, सर्टिफिकेट में एक नंबर है जिसको सी केवाईसी नंबर कहा जाता है। इस नंबर की मदद से आप सभी लोग का बैंकों में जो लंबी लाइन लगते हो वो लगना नहीं पड़ेगा, चुटकियों में सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर आप सभी लोग का जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा इस नंबर की मदद से। इसलिए दोस्तों ये सी केवाईसी नंबर या सी केवाईसी सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को बनाना जरूरी है। एंड दोस्तों ये जो सर्विस है वो सीएससी में अवेलेबल कर दी गई है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप सभी लोग अपने कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू सी केवाईसी सर्टिफिकेट को जनरेट कर पाओगे। सबसे पहले दोस्तों सीएससी के बैंकिंग हेड ने यहाँ पे एक ट्वीट किया है जिसका नाम है राजेश मिश्रा जी। उन्होंने दोस्तों यहां पे बताया है कि जनरेट सी केवाईसी सर्टिफिकेट ऑन कस्टमर एंड अर्न पर सर्टिफिकेट, यानी कि एक सी केवाईसी सर्टिफिकेट बनाने का आप सभी लोग कॉमन सर्विस सेंटर वालों को 10 रुपए का कमीशन मिलेगा। ठीक है, इसके साथ दोस्तों वो कुछ एक्स्ट्रा पे भी चार्ज कर सकते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सीएससी के द्वारा अगर आप सभी लोग का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक बीसी है यानी कि सीएसपी है तभी जाके दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे सी केवाईसी सर्टिफिकेट को जनरेट कर पाओगे, डायरेक्ट दोस्तों बायोमेट्रिक के थ्रू जनरेट हो जाएगा। बट दोस्तों काफ़ी सारे सीएससी वैली के पास बैंक बीसी नहीं होता है एसबीआई का, तो उसके लिए भी मैं आप लोग के लिए एक जुगाड़ लेके आया हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे फॉलो किया है, लकी आरजे को फॉलो किया है, इसलिए मैं आप लोगों को एक जुगाड़ बता देता हूँ। ठीक है, कि बिना बैंक बीसी का भी आप सभी लोग सी केवाईसी सर्टिफिकेट को जनरेट कर पाओगे। प्रूफ के तौर पे दोस्तों मैंने ऑलरेडी सी केवाईसी सर्टिफिकेट को जनरेट किया हुआ है, मेरे पास सीएससी का एसबीआई का बैंक बीसी बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं CKYCIndia.in की तरफ से मुझे मेल आया हुआ है। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पीडीएफ भी आ चुका है जिसमें दोस्तों आप सभी लोग का CKYC सर्टिफिकेट दिया गया है। अब दोस्तों मैंने किस प्रकार से CKYC सर्टिफिकेट बनाया है सीएससी के माध्यम से, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक वाले हैं उन लोगों को दोस्तों अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों एक बात को ध्यान रखना है, अगर दोस्तों आप सभी लोग के पास सीएससी के द्वारा एसबीआई का बैंक बीसी है तो डायरेक्ट दोस्तों आप सभी लोग सी केवाईसी को जनरेट कर सकते हो, इनरोलमेंट कर सकते हो बायोमेट्रिक के थ्रू या फिंगरप्रिंट के थ्रू, देख सकते हैं सी केवाईसी जनरेट का पूरा प्रोसेस भी यहाँ पे बताया गया है। बट दोस्तों ये तरीका वही लोग अपनाइएगा जो कि दोस्तों जिनके पास एसबीआई का बैंक बीसी नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे देखोगे मेरा जो सी केवाईसी सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है वो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने सीएससी के द्वारा डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया था स्टॉक होल्डिंग का, जिसमें कि दोस्तों ऑटोमेटिक ही गवर्नमेंट के द्वारा कि आरबीआई के द्वारा जिन जिन लोगों का डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो रहा है सीएससी के स्टॉक होल्डिंग के द्वारा उन लोगों का सी केवाईसी सर्टिफिकेट भी जनरेट ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, उसके लिए डिजिटल सेवा पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग सर्विस, आप सभी लोग एक बार इस पर क्लिक कर दोगे, सीएससी कनेक्ट आप एक बार इस पर क्लिक कर दोगे तो आप सभी लोग के सामने कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों डीमेट अकाउंट ओपनिंग करने का बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है, बहुत सारे कंपनीज दिए गए हैं, बट मैं आप लोग को पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग स्टॉक होल्डिंग के द्वारा ही यहां पे डीमेट अकाउंट ओपनिंग कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिल्कुल फ्री में ओपन होता है, साथ ही साथ दोस्तों इसका जो भी चार्जेस है बिल्कुल फ्री है, 1 भी रुपये कस्टमर का ना ही लगेगा और ना ही दोस्तों आप सभी लोग को 1 भी रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है,
उसके लिए गो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप सभी लोग को अपना नेम को टाइप करना है जो कि आधार कार्ड में होगा, अपना मोबाइल नंबर टाइप करना, ईमेल आईडी टाइप करना और प्रोसीड कर देना। पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा कस्टमर का, या आप अपना भी करवा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सभी लोग को फिल करना पड़ेगा। टोटल 206 स्टेप होते हैं। पैन कार्ड का कॉपी को अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, उसमें ओटीपी आएगा। इसके बाद आधार कार्ड का स्कैन प्रिंट आउट आप सभी लोग को अपलोड करना पड़ेगा। आप लोग का जो पासबुक है या कैंसिल चेकबुक है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक जिप फाइल को भी अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे आधार ई साइन मैंडेटरी है, यानी कि आधार कार्ड के द्वारा ई साइन भी किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये स्टेप मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ये स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा तो टोटल 20 मिनट का स्टेप हो जाएगा आप सभी लोग का। क्योंकि दोस्तों मैंने स्टॉक होल्डिंग के द्वारा डीमेट अकाउंट ओपनिंग का ऑलरेडी एक पूरा डेडिकेट वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग को डाल दूंगा। अगर आप सभी लोग को स्टॉक होल्डिंग के द्वारा CKYC सर्टिफिकेट को जनरेट करना है तो उस वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से जनरेट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे PDF में आ जाएगा, जिसको वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड रहता है, वो पासवर्ड को डालने के बाद CKYC सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। आप सभी लोगों ने देखा कि CKYC सर्टिफिकेट क्या है, इसको किस प्रकार से जनरेट करना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप सभी लोग को CSE के द्वारा बैंक BC बना हुआ नहीं है, फिर भी दोस्तों आप सभी लोग CKYC सर्टिफिकेट को जनरेट कर सकते हो, जो कि इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया। इस वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा, आप लोग डेफिनेटली बहुत ही अच्छी अर्निंग कर पाओगे एंड CKYC सर्टिफिकेट लोगों का जनरेट कर पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड।